ਬੁੱਢਾ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਪਾਪ ਕਿਰਨ ਮੈਂ ਲੁਟਾ ਚੁੱਕੇ ਗਰੀ ਕਿਲਾ ਬਹਾ ਚੁੱਕੇ ਅਲਮ ਲਹੂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਰੰਗ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਜੈਸੇ ਜਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੇ ਨਾ ਕਾ
الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاۃ والسلام والتحیت والاکرام علی سید الاسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم المحمد وعلی آل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین من یومنا هذا الی یوم قیام الدین اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذير صلوات پڑھے بابا سے بھلا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مددگاران سید الشہداء عزادانوں کو سجانے والے مومنین ہر انسان ہر وقت میں ہر گھڑی میں ہر ساتھ میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی رنگ سے کسی نہ کسی ڈھنگ سے کسی نہ کسی روپ سے آغوش والدہ سے لے کر قبر کی گہرائی تک آغوش والدہ سے لے کر قبر کی گہرائی تک مقروض ہے محمد و آل محمد
کے قرض میں تو جب مقروض محمد والے محمد ہو اتنی بلند تلوار ہو کہ عرش کے فرشتے سے فرش بنا کر بیٹھا ہے. مومنی سے گزارش کر رہا ہوں کہ جو بارات کھڑے ہوئے ہیں وہ اندر تشریف لے آئے. نوجوان پیڑھی جو باہر کھڑی ہے پھر سنیے, نوجوان پیڑھی جو باہر کھڑی ہے کیونکہ یہ مجلس مجلس تو روز ہو رہی ہے, یہ سنگ بنیاد ہے اس فضل کی جو آج سے پہلے اپنا وجود ہو چکا تھا. پہلے بھی امام بڑھا تھا کچھ وقت کے لیے اپنا وجود ہٹ گیا تھا, تو اگر وجود ہٹ گیا لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہاں مجلس حسین نہیں ہو سکتی. میں دعا دیتا ہوں صاحب عالم صاحب کو ان کے والد صاحب کو کہ انہوں نے اپنی رضا مندی دی گی بلکہ شہزاد
तेरे अब के कितने नाम, थोड़ा थोड़ा आगे आगे बैठ जाइए, थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले। हमने अपने अब पे फुरकान नाजिल किया, लव किया अब्द का, अला अब्द ही मालिक का है, तूने कौन है का, हमने मोहम्मद पे फुरकान नाजिल किया, तूने कहा अपने अब्द पे क्या नाजिल किया, फुरकान नाजिल किया, सीधा कहता मालिक हमने मोहम्मद पे कुरान नाजिल किया, कुरान की आयत हो सकती थी कि हमने तबारक अल्लाह नजल फुरकान नजल कुरान के जुमले ये है कि हमने अपने पे अपने बंदे पे फुरकान नाजिल किया, ताकि इसे आलमीन के लिए, आलमीन के लिए, आप आलम समय में यहां से लेके अमेरिका तक, अमेरिका से लेके इंग्लैंड तक, लेकिन ये आलम आलमीन नहीं है। छठे इमाम से पूछे मौला बताइए, हमने कुरान नाजिल किया ताकि इसे आलमीन के लिए, पूरी कायनात के लिए, हर जिंदा और शऊर के लिए इसे नजीर बना सके। कुरान नहीं का मालिक, कुरान क्यों नहीं का, तो जानता हूं मैं, कुरान नाजिल हुआ मोहम्मद पर, फुरकान नाजिल हुआ अब्द पर, मालिक अब ये बता अब्द बड़ा है या मोहम्मद बड़ा है, पढ़ा लिखा मजबा है, मजलिस पढ़ रहा हूं, शक कोई नहीं है, इसी सादात बहरा के इसी बस्ती से निकल कर आया हूं, जो कुछ आपसे सीखा और पढ़ रहा हूं, मालिक बता दे कि अब्द बड़ी चीज है या मोहम्मद बड़ी चीज है, का हमने बता दिया तो मेराज में बुलाएंगे, हमने बता दिया तो मेराज में बुलाएंगे, सुभान अल्लाह असरा पे अब्द है, ले गई बात है वो बात, जो ले गई ना तेरा अपने बंदे को, अपने बंदे को मोहम्मद को नहीं, अपने बंदे को मस्जिद अक्सा से, मस्जिद हराम से, जो ले गई ना तेरा, हमने बता दिया था जब मोहम्मद को हमने अपनी बारगाह में पेश किया, हमने बता दिया था मोहम्मद घबराने की जरूरत नहीं है, कयामत तक जब जब लोग नमाज पढ़ेंगे और तशहुद में जाएंगे तो कहेंगे अशहदु अन्ना मोहम्मद मालिक। कुरान तो समझ में आ गया, 21 रमजान की रात में नाजिल कर दिया, 23 रमजान की रात में नाजिल कर दिया, मालिक फुरकान तो बता दे, तो फुरकान वो होगा जो अलग बताएगा, बाकी अलग बताएगा, हम फुरकान पे ही इसलिए रहे हैं ताकि दुनिया समझ जाए कि मोहम्मद के पास एक फुरकान भी है, एक कुरान भी है, न कुरान फुरकान से जुड़ा, न फुरकान कुरान से जुड़ा, ये दोनों बराबर, याद रखो जो फुरकान हम देंगे वो अलग होगा, पाटिल अलग बताएगा, यानी दोनों की पेशन कोई अलग अलग करेगा, इसीलिए मेरे रसूल ने कहा कि अली हक के साथ, हक अली के साथ, हक अली के साथ, अली हक के साथ, मालिक तुमने फुरकान दे दिया, अपने हम को दे दिया, तेरा बता तो सही, तूने फुरकान कर दिया, हमने तो कुरान देखा है, तो तुम अगर अकल के ऊपर से अपने आंखों के ऊपर से कुफर की पट्टी हटा दो तो चेहरा रंगो को खाना काबा के बाहर तुम्हें मोहम्मद के हाथों पे कुरान नजर नहीं आएगा, फुरकान नजर आएगा, फुरकान नजर आएगा। अच्छा कैसा फुरकान है, कैसा फुरकान है, जो और बातिल में इंतजार करे, समाने बदल सकते हैं, हक नहीं बदल सकता। मौली साहब तशरीफ फरमाए,
साहिब इल्म बल्कि साहिब आलम मौजूद है, साहिब इल्म का कमाल है। ताई करेंगे मेरी जमाने बदल सकते हैं, हक नहीं बदल सकता, हक का नाम बदल सकता है, हक का काम नहीं बदल सकता, तासीर बदल सकती है, मिजाज वही रहेगा, काम बदल नहीं सकता। हर जमाने में अपने नाम से पहचाना जाएगा। खाने काबा में आया, मौलूद हरम कहलाया, आकाश रसूल में आया, नूर रिसालत कहलाया, सबाने रसूल दूसरी लहमों का लहमे की मिसाल कहलाया, कावत गुल शेरा में आया, शाहिद रिसालत कहलाया, मैदान मोबाइल में पहुंचा, सदाकत का परचम लहराया, मैदान मोबाइल में पहुंचा, सदाकत का परचम लहराया, चादर के नीचे आकर लेट गया, तहारतों का बरकस फैलाया, जंगे वहां पर पहुंचा, तला नासिरा ने रसूल कहलाया, जंगे खैबर में पहुंचा, शाहे लापता कहलाया, जंगे हुनैन में पहुंचा, शाहे यमा कहलाया, जंगे सिफीन में को पहुंचा, कुरान का शाहिद कहलाया, हसनैन के पास पहुंचा, हसनैन का बाबा कहलाया, फातिमा के पास पहुंचा, फातिमा का शोहर कहलाया, काबे के पास पहुंचा, काबे का गुहार कहलाया, जिब्राइल के पास पहुंचा, जिब्राइल का उस्ताद कहलाया, फैलक के पास पहुंचा, फैलक का बाबा कहलाया, जमीन के ऊपर बैठ गया, अबू तुराब कहलाया, जमीन के ऊपर बैठ गया, अबू तुराब कहलाया, विषय में तमार के पास पहुंचा, विषय में तमार का अल्लाह कहलाया, सबसे इस वक्त खालिक का इलाज है, हथौड़ा उठा के नबियों के दरमियान में रख दिया, नबियों ने औला नजर आया, कदीर के मेंबर में पहुंचा, मौला नजर आया। जमाना बदल सकता है, नाम बदल सकते हैं, तासीर नहीं बदल सकती। खाने काबा में आया, सबसे पहले देखा सबको, उसके बाद दोबारा फिर गया, एक बार नाजिल हुआ, एक बार पाकिस्तान में पहुंचा, एक बार नाजिल हुआ, दूसरी बार पाकिस्तान में पहुंचा, मुर्शिदे आजम साथ, मौलाए मुत्तकियान साथ, खाने काबा को देखा, उन लोगों को ये भी तो सोचते कि हमने ईमानदारों ने अलग सजा लिए, अलग सजा ले से कुछ हासिल नहीं होगा, अपने दिलों के किरदार को साफ करो, जब दिल साफ हो जाएंगे तो मासूम भी रहना हो जाएगा, और दिल ही अगर मेले रहेंगे तो कुछ हासिल ना होगा। खाने काबा में पहुंचे, देखा कि कुछ सजे हुए हैं, मौलाना फरमाते कि या रसूल अल्लाह, आप मेरे कंधे पे आ जाते, सुना हुआ बात है, आप मेरे कंधे पे आ जाइए, बुतों को तोड़ दोगे, तो चाहिए तो ये था कि रसूल इस्लाम मौलाए कायनात के कंधे पे खड़े होते, बुतों को तोड़ देते, बुत चिकन कहला देते, लेकिन नहीं, ये अजीब जुमला, पांच मिनट मजे, या अली तुम वज़ने रिसालत नहीं उठा सकते। देखिए जुमलों पे ध्यान दीजिए, यानी तुम वज़ने रिसालत नहीं उठा सकते, किसके लिए कहा, मैं कोई गोपन भाई इसकी तखत को उठा लीजिए, मैं अबूंदन तखत को उठा लीजिए, ये घर के साथ पोसोगल नहीं है, तनहा हाथ में मया देखे तराजू के पल्लों में, याली तुम वज़ने रिसालत, ये किस अली को कहा जा रहा है, खैबर का दर उठाने वाला अली, अहद और खंदक को फतह करने वाला अली, बहत्तर मन का लिखाया ना पुराने वाला, एक टूटे हुए पर की मानी उखाड़ के फेंक दिया, टूटे हुए पर की मानी उखाड़ के फेंक दिया, जिसके बारे में लिख दिया कायनात में कि तमाम कायनात के दरख्त शजर बन जाए, तमाम शजर कलम बन जाए, तमाम कायनात की जमीन कागज बन जाए, तमाम कायनात के समंदर सियाही बन जाए, अरे तुम्हारे फजाइल नहीं लिख सकते, ये सिमरनो महकाइल अगले फजाइल लिखने लगे, तुम्हारे फजाइल नहीं लिखे जाएंगे, उस अली के लिए मोहम्मद अरबी फरमा रहे हैं, या अली बदले रिसालत नहीं उठा सकते, खैबर का दर उखाड़ना आसान, बदले रिसालत उठाना मुश्किल, फतह करना आसान, बदले रिसालत उठाना मुश्किल, ईसा की मदद करना आसान, बदले रिसालत उठाना मुश्किल, आदम को सजदा कराना आसान, बदले रिसालत उठाना
جالی ٹھوکر مار کے مردے کو زندہ کر دینا آزاد بسرے رسالت اٹھانا ملکی جالی جس کے پاس اتنے مناقب موجود ہو اس علی کے لیے کہا کہ جالی بسرے رسالت نہیں اٹھا سکتے قربان ہو جاؤ ساتھ ابو طالب نے جس نے 3 سال تک محمد کو اٹھایا بن جائے کتنے ہم اس لیں گے ابھی لڑائی ہو جائے سب تھوڑا بہت بولتا بیٹا سب لڑنے میں پھیلا پھیلا نے امام بار امام بار کہا جی بہن سے دروازے پہ چلتے گرفتار یہی ہوتا ہے نا ہمارا کسی کا جج بن جائے جب لوگ بولتا کسی کا کوئی بندہ کسی اعلیٰ ترین عہدے پہ چلا جا رہا ہے تو ہم اپنے سینے کو فخر سے چوڑا کر کے چلتے ہیں جو ہمارے گھر میں خاندان میں ایک آدمی کامیاب ہو گیا بسر اقتدار آ گیا قربان ہو جائیے زیادہ ابو طالب میں تمہارے ہاں ایک اگر انسان افسر بن جائے تو تمہارے تھمنڈ کا طریقہ یہ ہوگا کہ سر آسمان میں ہوگا پاؤں زمین میں نہ ہوں گے میں قربان ہو جاؤں زیادہ ابو طالب میں جس کے گھر میں پروردگار نے نہ ایک نہ دو بلکہ 14 افسر دے دیے 14 افسر دیے اچھا افسر بھی کیسے افسر بھی کیسے رہتے زمین میں ہے افسر ہی آسمانوں میں کرتے ہیں انگلی کا اشارہ کرے سورج پلٹ جائے جب اشارہ کرے چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے جب دل میں آئے تو جنت سے لباس منگا لے جو اور دیکھیے افسروں کی تعداد کوئی جوانا میں جنت کا سردار کوئی عورتوں میں جنت کی سردار کوئی مرغوں میں متقیوں کا سردار کوئی رسولوں میں رسالت کا سردار سلام علی محمد ہم اپنے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منظم کریں ہم روح کو تینا اور حضرت کو خدا رائے دس دنوں میں بہت دور ہوتے ہیں شہزادی ہم سے بھوک نہیں چاہتا کہ میرے حسین کے زرار بھی ہو اور بھوک بھی رکھ رہے ہو ہمارا پیغام ان لوگوں کے لیے ہونا چاہیے جن کے پاس آج تک حسین کے تک پیغام نہیں پہنچا ہم الگ الگ سر کرتے ہیں الگ نکالتے ہیں ایک میسج دے رہے ہیں دنیا کو ہمارا میسج دنیا تک جانا چاہیے مقصد کیا ہے ہدف کیا ہے مجلسوں کا کیا مجلسوں کا مقصد یہ ہے کہ صاحب مجلس میں ہونے لگی تو بڑھ گیا پہلا تو جو شیر مار مارے گا تو تھوڑی تعداد میں جائیں گے وہاں مرمرے بن جائیں گے تو کم لوگ جائیں گے مرمرے اور شیر مال کا نام حسینیت نہیں ہے کردار کو اجاگر کرنے کا نام حسینیت ہے کردار بلند ہوگا تو سمجھیے حسینیت دنیا تک پہنچے گی لوگ آپ کے کردار کو دیکھ کے لوگ آپ کا کردار کو دیکھ کے کردار کو سمجھ کے خود بخود حمل کر لیں گے تاکہ وہ قوم ہے کہ اس کے رہبر کیسے ہوں گے جس قوم کا کردار بہترین ہوگا اس قوم کا رہبر ہمیں الگ سطح سے جائے گا اسی لیے کسی نے کہا تھا وہ اٹھتا ہے جو ماں پر دو اللہ اللہ پہنچا یہ ماتم کرنا یہ الگ سجانا کچھ نہ کچھ فطرت تو ہے نا ہماری کوئی دن میں بچا تو ہے ہماری اور پڑا ہے جو ماتم کو آزادار کا پنجا پانچ انگلیاں ہیں پانچ کے اقرار کا پنجا ایسے ہی نہیں سجاتے من پر پنجا اور پڑا ہے جو ماتم کو آزادار کا پنجا پانچ انگلیاں ہیں پانچ کے اقرار کا پنجا ہر دور میں ہر ظلم سے انکار کا پنجا اور تحصیل کے سینے میں ہے افغان کا پنجا ہر دور میں انکار کا پنجا تہذیب کے سینے پہ ہے افکار کا پنجا تہذیب کے سینے پہ ہے افکار کا پنجا اسلام کی بنیاد کا ڈھانچہ بھی یہی ہے رخدار یزیدی پہ تماشا بھی یہی ہے خالی علم نہیں ہے کیا آپ نے علم سجا دیا خالی علم نہیں ہے بلکہ اس کے بتاح کا اعلان ہے حسینیت کی حسین پتا ہو جائے
हम कहते हैं उनसे जाओ आगे देखो किसका दरबार सजा है, किसके लोग बैठे हुए हैं, किसका परचम बुलंद है। हुसैनियत का दरबार 1400 साल पहले भी सजा हुआ था, 1400 बरस के बाद भी सजा हुआ है। हम दावा सुखन दे रहे हैं सारी कायनात को, वो आकर देख ले कि हुसैनियत कल जिंदा थी, हुसैनियत आज जिंदा है। से कर रहे हैं आज महाराज 6 तारीख है। अल्लाह उस शहजादे के मसायब जिसको कभी हुसैन ने गोद ना लिया, पैदा हुआ तो जनाब जैनब के हवाले में। मैं नहीं कहता कि आप दुनिया जारी कर रहे हैं, क्योंकि आप हुसैन की मां की तरह रो ही नहीं सकते। चंद जुमले मसाले थे, आप हुसैन की मां की तरह रो ही नहीं सकते। मदीने से चले थे ना तो कहा अली अकबर सुगरा से मिल रहे थे, सुगरा तुम छोटा ना करना, अली अकबर वादा करता जिंदगी रही तो लेने जरूर आया। जब काफिला चला ना तो सुगरा दौड़ी हुई आई और दरवाजे पे आकर अली अकबर को रोका, दोनों बाहें गले में डाल दी। मेरे भाई याद रखना अपना वादा, सुगरा वादे आखिर तक अली अकबर और अली असर को याद करती रहेगी। कुछ दूर चले फिर रो गया, मेरे भाई जरा रो गया, ये जो तरफ देख रहे हैं ना इस पर फूल नहीं आ रहे अभी, कुछ दिन के बाद इस पर फूल आने शुरू हो गए। एक मौनसरी का दरख्त लगा हुआ था घर में, अली अकबर सुगरा इसके फूलों को तोड़ के तेरा चेहरा बनाएगी। अली अकबर वादा करती होगी कि तेरी शादी होगी करबला के मैदान में हुसैन आ गए, रोजे अशोर का दिन आया, अली अकबर आजान को जनाबे अली अकबर ने आजान देना शुरू की, जनाबे जैनब ने इमाम हुसैन को बुलाया, भैया अली अकबर से रोक आवाज बलन का आजान दे। जनाबे अली अकबर के पास आए, अली अकबर मेरी बहन ये चाहती है कि आवाज बलन आजान दो ताकि जैनब खेमे में आजान सुन ले। अली अकबर ने हाथों को जोड़ा, बाबा आपकी बहन तो आजान सुने, मेरी बहन मदीने में आजान ना सुने। अली अकबर ने आजान देना शुरू की, जैनब ने कानों से टकरा के आजान मदीने की गलियों में पहुंची, खश्के आलम में सुखरा की ऐ नानी सलमा, अरे अली अकबर आ गया। आजान शुरू हुई, अजीज अलवाज की शहादत हुई, खानदान बनी हाशिम की शहादत करीब आई। एक वक्त ऐसा आ गया अबे अब्बास के बाद कि जनाब अली अकबर ने इमाम हुसैन के आगा दोनों हाथों को जोड़ा, बाबा अरे अली अकबर को रुखसत आके दे दीजिए। खुदा जाने कितने नौजवान, कितने बुजुर्ग बैठे हुए जिनके नौजवान नफले मौजूद है, जिनके दिल में अरमान है कि हम अपने बच्चों की शादी करेंगे, अरमान सजाए बैठे हम अली अकबर, हम अपने बच्चों के सहरा सजाएंगे, हम ऐसे दुल्हन लेकर आएंगे। मेरे राज अली अकबर अपनी फूफी से इजाजत लो, अपनी फूफी के पास जाओ, जनाब अली अकबर फूफी जैनब के पास आओ, फूफी अम्मा खुदा हाफिज तो ना थी, फूफी अम्मा मुझे लड़की इजाजत दे दीजिए। अदालत अभी बात कर ही रहे थे कि पीछे से इमाम हुसैन आ गए, तो बच्चे मेरी तरफ दीजिएगा थोड़ी सी मंजर में शीश के बाद मसाए भर, पीछे से इमाम हुसैन आ गए, कल जैनब इरादा क्या रखती हो, भैया को मैंने पूछ लिया कि हुसैन प्यारा था या अली अकबर, तो बाबा क्या जवाब दूंगी। बीबियों ने चारों तरफ से हल्का बनाया, अली अकबर बीच में है, बीबियां जाने नहीं दे रही, हमें
कहता मैं देखता हूँ, कभी खेमे का पर्दा उड़ा है, कभी खेमे का पर्दा कहता है मैं देख रहा था, मैं लिख रहा था कि मैं देख रहा था अली अकबर की इस वक्त जुदाई का वक्त मौजूद था। अगर आ रहा है हुसैन कहते कि सैनब आज मुझे किसी चीज की इजाजत चाहिए। 57 बरस का सही सैनब के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। क्या मेरे भाई बता तो सही, दोनों हाथ क्यों जोड़ के? ए मेरे माजा है बता कि तुझे लाए की जानो कल रहना जिसी से अली अकबर पैदा हुआ तेरी आवाज में दे दिया। ए सैनब अली अकबर का वक्त आ गया, आज हुसैन ये चाहता है क्या तुझे अली अकबर को दूसरा बना लू। अली अकबर को दूल्हा बना लो, सैनब ने हाथों को जोड़ा, ए मेरे बाजार मुझसे भी एक वादा कर, जाते वक्त दूल्हा तू बनाएगा, आने के बाद दूल्हा सैनब बनाएंगे। अली अकबर को पीछ में बैठा दिया, सारी बीबियां जमा हो गई, सैनब इन बीबियों से दो अपने रुखों को हटा दे, अली अकबर से अपने रुखों को हटा दे, मैं नहीं चाहता मेरे अली अकबर को किसी की नजर जो सर पे अमामा बना हुआ था, हुसैन ने अपने सर से अमामे को खोल लिया। मजलूम करबला ने अमामे को खोला, अली अकबर अपने बाबा के आंखों के सामने बैठ गया, अली अकबर बाप की आंखों के सामने बैठ गया, अली अकबर के चेहरे को देखा, पेशानी का बोसा दिया, हुसैन ने अपना बोसा अमामा लिया। अब हुसैन ने क्या किया, अली अकबर को बिठाया, अली अकबर के सर पे हुसैन ने सेहरा बांधना शुरू किया, और जैनब को बस बोला जब मैं सेहरा बांध लू तो बीबियों का कहना अली अकबर को देखना शुरू कर दे। दरमियान में अली अकबर है, हुसैन के अकबर को बिठाया, सेहरा बांधना शुरू किया, अमामे का पहला पेट डाला, और जैसे ही पूरा मुकम्मल किया हुसैन ने तो सुभान अल्लाह, हुसैन ने अमामे का दूसरा पेट डाला, हुसैन ने अली अकबर को देखा का अस्तग़फ़िरुल्लाह, हुसैन ने तीसरा पेट डाला अल्लाह अकबर, हुसैन ने 11 पेट अमामे के अली अकबर के सर पे बांधे, जब आखिरी पेट बांधे थे आपने फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अली अकबर को देखा सरों को पीट लिया। लाशें अली अकबर को लेके चले, कहते लाशें लेके